नाज़रीन बलोचिस्तान की सूरत हाल तो आपने देखी, पाकिस्तान को जो इस वक्त हम कह सकते हैं सैलाब की सूरत हाल का जो सामना है, बलोचिस्तान बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुआ, वहाँ पर लोग जिस कसम कुर्सी की हालत में थे वो आपने उनकी सूरत हाल देखी। हमारा ये सफ़र जारी रहा, हमने सखर का भी दौरा किया, वहाँ की भी हालात ज़िंदगी आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और वहाँ भी हमारी जब मुलाकात हुई हुकूमती नुमाइंदों से, प्राइम मिनिस्टर से, तो वो भी खासे खौफजदा दिखाई दे रहे थे। आपकी खिदमत में सफ़र के हालात वाकया जो हैं पेश करते हैं। नाजरीन इस वक्त हम सखर में मौजूद हैं, हमारी कोशिश है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में लगाए गए हैं वहाँ का हम दौरा करें और जो आम पब्लिक है उनके हालात आपकी खिदमत में पेश करें। अच्छे हैं आपके साथ, सातों के साथ तो आपके साथ हैं। सोती कहाँ हैं रात में आप? इतने सुनाई हूँ। यहाँ पे आप जमीन पे सोती हैं आप ये कह रहे हैं? जमीन सुनाई हुई तेरा जो हर शही मिले थी, बाकी वही बात है घर वगैरह बुझला नहीं, हर शही बुझला आ जानी यानी सैलाब बने। आठ महीने का बच्चा है, तंग नहीं करता? इतनी गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, बिजली बंद है, कितनी देर बिजली नहीं आती यहाँ? बस कला कद पहुंची थी वही। सारे आप लोग जितने इस वक्त मुझे लोग नजर आ रहे हैं सारे इसी कमरे में सोते हैं? कितने बंदे इस कमरे में सोते हैं रात? गणिया कौन तो ये इतना ही बंदा जितनी आई हूँ इतनी सुनो था 30-40 है। कितने लोग? 50 लोग एक कमरे में सोते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खेल रहे हो? खेल रहे हो सब? क्या करते हो सारे आप लोग यहाँ पे? खेलते हो क्या? पढ़ते भी हो या नहीं? खेलते हैं। पढ़ते थे स्कूलों में? पढ़ते हो या नहीं? पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करते हो सारा दिन? खेलते रहते हो आप? हाँ। कैंप भी लगाया गया, यहाँ डॉक्टर से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितनी अदवायात यहाँ पे मौजूद। आप डॉक्टर हैं? जी, आज हमने यहाँ पे कैंप लगाई है पिछले 4 दिन से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, MS साहब के हुक्म पे, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार शेख साहब के हुक्म पे। अभी तक सुबह से लेके 58 पेशेंट में अटेंड कर चुका हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारी के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे। क्या बीमारियाँ हैं यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं? मुख्तलिफ एक्साम की बीमारियाँ आ रही हैं जिसमें डायरिया हो गई, इमोशंस हो गए, पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, जल्द की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, खांसी की बीमारियाँ आ रही हैं, वो सारी। आप क्या समझ रहे हैं ये ज़्यादा लोगों को इकट्ठा रहने से इस तरह की बीमारियाँ लग रही हैं? क्योंकि 12 कमरे 2500 लोग रह रहे हैं इतना, क्योंकि यहाँ तो मोस्टली ये भी एक काज है, लेकिन ये जो पानी सैलाब आया है, सैलाब की वजह से जो चेंजिंग आई है माहौल में, उसकी वजह से मोस्टली जो लोग कटे रह रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं कुछ उसमें जो एक से दूसरे में लग रही हैं। तमीरे नो हाई स्कूल में हम मौजूद हैं, यहाँ पे बताया गया टोटल 12 कमरे हैं और 2500 के करीब अफराद जो हैं फैमिलीज के साथ 12 कमरों में यहाँ पे मौजूद है। सोचने की बात है, समझने की बात है कि 12 कमरों में 2500 के करीब अफराद किस तरीके से रह सकते हैं। और बार बार वो हुकूमत की बेहिसी पर हमसे भी ना लाएं कि आप लोग यहाँ पे आके तस्वीरें बना रहे हैं और हमारी आवाज़ अभी तक कोई नहीं सुन रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यूसुफ रजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सखर का दौरा आज इन्होंने किया और सैलाब से मुतासर इलाकों में भी ये जा रहे हैं। आपको जो ब्रीफिंग दी गई उससे मुतमईन है किस हद तक जो रिलीफ का यहाँ पे काम किया गया? जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है उसके तो अरेंजमेंट्स बहुत बेहतर थे और जो फ्लड्स आ रहे हैं दे आर अनएक्सपेक्टेड, और जो ब्रीच हुआ है टोरी बंद, उससे बड़ा कोलोसल नुकसान होने का खदशा है। I'm afraid. आप कह रहे हैं कि आप खौफ ज्यादा है, लेकिन हुकूमत की प्लानिंग पॉलिसीज इस सिलसिले में आपको क्या ब्रीफिंग तो दे दी थी आप? हमारी किसी तरीके से कमी नहीं है, फौज, नेवी, एयरफोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कैबिनेट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड द वर्कर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। कल हमने दौरा किया, खुशी शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ एरियाज में हमें लेके भी गए। लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, मेडिसिन नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपने इमदाद की अपील की, लेकिन उसके साथ साथ इमदाद के साथ साथ और क्या क्या कहा गया कि किन किन चीज़ों की जरूरत है कि जो इस वक्त यहाँ पे? देखें, सबसे पहले तो एवैक्यू करना है इनको, हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है,
टैंक्स की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, उनको वहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है, और वहाँ उनको हर किस्म का जो उनको इस वक्त जब डिस्प्लेस हुए हैं उनके एनिमल्स जो हैं वो फंस चुके हैं। तो इसलिए मैं तमाम वर्कर से अपील की है, तमाम पार्टी के कारकुनों से, तमाम इलेक्टेड नुमाइंदों से कि वो ऑन वॉर फुटिंग जितना हो सकते इस मुश्किल घड़ी में अपने बहन भाइयों बच्चों का साथ दें। तो कुछ अपील करेंगे सियासी जमातों से कि वो आए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों? अभी सियासतदानों को इतना अंदाज़ा ही नहीं है जितना उनका लॉस हो चुका है, उनको एहसास ज़ियां भी नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कारकुनों से मैं ये अपील करूंगा कि हमें इस वक्त एक हुबल वतनी का जो एक जज्बा है वो हमें पैदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और होने वाला है। सखर में जब प्राइम मिनिस्टर आए, जैसे हमने पहले भी बात की और उन्होंने वहाँ पे लोगों से भी सखर बैराज का उन्होंने वहाँ पे दौरा भी किया, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त वहाँ पे अपील की सियासी जमातों से कि ये वक्त है कि तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात को भुलाकर एक जगह पर इकट्ठी हो और पाकिस्तान को सबसे पहले लेकर चलें।